नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष मिले यूपी 76 न्यूज़ संवाददाता से। किसान आंदोलन में हुई अभद्रता से कराया रूबरू, उच्च अधिकारियों से लगाई इंसाफ की गुहार। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के आह्वान पर किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन। भीम आर्मी ने पूरा प्रयास किया लेकिन वह पुलिस चौकसी के चलते वह धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए एवं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष आशुतोष कठेरिया व उनके साथियों के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता व मारपीट के बाद भीम आर्मी जिलाध्यक्ष यूपी 76 न्यूज संवाददाता से हुई वार्ता में जनता व आला अधिकारियों से रूबरी हुए। तो आइए देखते हैं आगे का वीडियो, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आइए देखते हैं आगे का वीडियो। आशुतोष कठेरिया है और मैं जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हम किसान आंदोलन के जो कल हमारे साथ जो घटना घटी हुई, हम लोग समस्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारे थे जो किसान आंदोलन में हम लोग जो है समर्थन कर रहे थे और हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए जो थे, तो हमारे साथ जो है सीओ सिटी फतेहगढ़ ने जो हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है बदतमीजी की गई, जैसे कि मार जो है अभद्रव की गई, जैसे कि हाथ पाँच चलाए गए हैं, उनके साथ मारपीट की गई है और हमारे जो है घूसा मारा सीओ सिटी ने, तो मेरे नाक में चोट लगी थी, तो उसमें जो है हम लोगों को जो थोड़ी हमें दिक्कत हो रही, पैर में भी हमारे चोट है और हम यही चाहते हैं, आग्रह करेंगे कि उनके जो है सख्त कार्रवाई की जाए और हम लोग शांतिपूर्वक पूरा माहौल जो है पुलिस प्रशासन फतेहगढ़ की जो है सीओ सिटी ने ख़राब करने का पूरा जो है प्रयास किया और हम लोग जो है किसी तरीके जो है वहाँ के हम लोगों को लिया के जो है वहाँ में बंद किया गया और फतेहगढ़ जो है कोतवाली में हम लोगों को बंद किया ले जाके जो है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन पर कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई जो किसी का आंदोलन होता है तो उसमें कोई घटना ना घटे जाए।